बीती रात को एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में ये कहा गया कि तमाम नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो है वो बंद कर दी जाएंगी 2 बजे के बाद, यानी कि फ्राइडे को 2 बजे के बाद जितनी भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, शॉप्स हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। और आज हमने एक खबर चलाई और क्योंकि चैम्बर की तरफ से ये जानकारी दी गई कि नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो शाम 9 बजे तक खुली रह सकती है। ऐसे में जनता जो है वो कंफ्यूज हो गई है कि किसकी बात में सच्चाई है, क्या कल जो ऑर्डर आया था वो हकीकत है या फिर आज जो खबर आई है वो हकीकत है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस समय मेरे साथ अरुण गुप्ता हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के प्रधान हैं। अरुण जी, बहुत कंफ्यूज हो रही है जम्मू की जनता, एक तरफ ऑर्डर कह रहा है कि 2 बजे बंद करना है, एक तरफ चैम्बर कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बात हुई है 9 बजे तक, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कीजिए। कहीं कंफ्यूजन नहीं है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब मैंने सबसे पहला अपना वाइट दिया उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर किया है। देखिए, एक SOP जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से निकला है और उस SOP को फॉलो करना, अगर आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा यही चाहा है कि उसको फॉलो किया। और उसी बात को लेकर के जब मैंने DC साहब से बात की, मैंने कहा आज, क्योंकि देखिए आज का जो पीरियड है उसमें ये भी देखना पड़ेगा बिजनेसमैन को कितने लॉसेस हों। 3 दिन हमारा बिजनेसमैन जो है वो अपने शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं उसको बंद करके घर पे बैठे, ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता। दूसरा, मोर ओवर आज की डेट में शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, मेरी रिक्वेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है, मेरी बात को उन्होंने समझा है और हमने जो आपस में बैठ करके म्यूचुअली एक दूसरे की राय से, और मैंने वहाँ से उससे पहले SSP साहब से भी रिक्वेस्ट की थी अभी की उनकी तरफ से, ये था कि भाई क्योंकि ऑर्डर जो है वो निकला है तो हमें अनाउंसमेंट जो है वो करनी पड़ती है। लेकिन जब मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप अभी इस कार्रवाई को रोक दीजिए, इसको कल तक के लिए सस्पेंड करिए, ये जो अनाउंसमेंट है वो जहाँ दुकानें बंद करने की बात हो तो वो कल मॉर्निंग यानी कि सैटरडे और संडे। और जो मेरी बात को समझते हुए और DC साहब ने भी इस बात को माना और उन्होंने कहा कि मतलब आप जिस तरह से आप ठीक समझें, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होती है वो आपसी कोऑपरेशन से, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है। बिल्कुल। और इसी बात को लेकर के देखिए जो ऑर्डर है चीफ सेक्रेटरी से ऑफिस से ऑर्डर है वो तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं 2 बजे से शुरू हो गई, लेकिन क्योंकि हम लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आज का दिन में लोगों पर हों और लोग आज ही 2 बजे दुकानें बंद करके अपने घरों पर चले जाएँ, तो उसी बात को लेकर के मीटिंग हुई है और मीटिंग में हमने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया है और उसी का रिजल्ट है कि मैंने अनाउंसमेंट की है, अपनी तरफ से भी की है कि शाम तक जो है जिस तरह से नॉर्मल ट्रेड चलता है आज का दिन बंद खुला रहेगा और कल और परसों 2 दिन जो है मैं तो बंद रहेगा। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सवाल है, हाल ही में 1 घंटे पहले जो है वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू की तरफ से एक ट्वीट भी आया है और वो ट्वीट मैं जनता को भी सुनाना चाहूँगा कि कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट फ्रॉम फ्राइडे 2 बजे से लेकर मंडे सुबह 6 बजे तक, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसपोर्ट एसेंशियल सर्विसेज एंड होम डिलीवरीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पर अब एक और कंफ्यूजन जो है, लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन कॉल्स किए और अब वो मुझसे ये कह रहे हैं कि आप ये सवाल जरूर पूछेगा अरुण जी से कि अगर जब लोगों को ही मना कर दिया कि आप बाहर मत जाइए, नॉन एसेंशियल चीज कोई खरीदने के लिए बाहर मत जाइए, तो दुकानें खोल कर वो लोग करेंगे क्या वहां पर रात को 9 बजे? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले ही कहा इसको कंफ्यूज करने की कोशिश मत करिए। जो भी है देखिए ऑर्डर एक निकला है उसमें कोई दो राय नहीं, जो ऑर्डर निकला है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से निकला है और गवर्नमेंट को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फॉलो करना है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारी जो बातचीत हुई DC साहब से बात हुई, मतलब बार बार मैंने आपको यही बता रहा हूँ, आप 4:30 बजे हैं जी, यानी कि 4:45 बजे में अभी तक तो कोई मार्केट में इस तरह का कोई नहीं है, मार्केट खुली हुई है, बिल्कुल मार्केट तो कस्टमर मार्केट में है बिल्कुल, तो फिर जब कन्फ्यूज़न ही कोई नहीं तो फिर हम उसको कन्फ्यूज़न बनाने की कोशिश क्यों करें, जब क्लियर है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आज दुकानें खुली रहेंगी और वो खुली रहेंगी।
क्योंकि देखिए मैंने कंफ्यूजन इसलिए कहा क्योंकि ये खबर लगभग हमने 1 बजे के करीब जो है ये हम तक पहुंची और हमने जनता तक पहुंचा दी थी। और जैसे ही ये खबर, जैसे ही लोग हमारी वो खबर सुनकर खुश हो रहे थे कि चलिए एटलीस्ट आज का दिन तो हुआ है, लेकिन उसके 2 बजे के बाद में ये ट्वीट आना, इसलिए कंफ्यूजन था। बाकी सब सही है, अच्छी बात है कि नॉन एसेंशियल सर्विस को भी 9 बजे तक जो है वो समय दिया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सिर्फ इस फ्राइडे को ही ये इस प्रकार की कंडीशन जो है वो अप्लाई है, या फिर आने वाले फर्दर फ्राइडेज को भी ऐसा देखने को मिलेगा? उसकी चिंता हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, अभी तो इसी वीक की चिंता कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि भाई हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के बातचीत करके आज जो है सभी को रिलीफ जो है कैसे मिले उसकी चिंता की है। नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने की, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मैं मिलने की कोशिश करूंगा, और कोई इस तरह का ऑर्डर जो है वो निकले जिसकी वजह से जो कन्फ्यूज़न है वो कहीं ना रहे, उसकी कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, अभी जो है आज का जो है कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मार्केट खुली है, मार्केट में कस्टमर जा रहा है जिस तरह एज रूटीन जा रहा है, और जो शाम तक जिस तरह का हमारा बिजनेस रहता है जो रूटीन रहती है वो रहेगी। नेक्स्ट वीक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी चिंता हम तब करेंगे जब इस मंडे और संडे और सैटरडे को जो है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट की है कि इन 2 दिनों को जिस तरह का एक SOP है उसको फॉलो करते हुए अपने शॉप्स को क्लोज करिए, और फिर मंडे को हम लोग जो है नई कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में इस तरह का कोई ऑर्डर ना निकले जिससे कन्फ्यूज़न हो, और जो भी निकले वो आपसी एक रजामंदी से निकले, आपस में अंडरस्टैंडिंग से निकले, ताकि लोग कन्फ्यूज हों। अरुण जी, एक और सलाह जो है वो जनता ने दी है कि जिस प्रकार से पहले, अगर हम पिछले साल की बात करें तो जो लॉकडाउन में जब वो इवन ऑड का फॉर्मूला जो अपनाया गया था, लोग उससे भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। वो आज वो कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन होना अगर होता है अगर 3 दिन का, तो इसमें भी इवन ऑड का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। देखिए, मुझे अभी लगता नहीं है कि इस तरह की कोई ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है, क्योंकि देखिए एक तो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, जिस तरह से वायरस है एकदम से मल्टीप्लाई हुआ। बिल्कुल, क्योंकि पिछले अगर पिछले लॉकडाउन की बात करें, सेकंड केस में देखें तो इतने पेशेंट नहीं थे, इस बार केस हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि भाई हम लोग जो हैं इस समय, क्योंकि एक चीज़ जो है, एक चीज़ को समझने की बात है, पिछला जो वायरस था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग वायरस था जिसकी वजह से काफ़ी डेथ भी हुई, लेकिन इस बार का जो वायरस है पूरा माइल्ड है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि भाई इस तरह की कोई पोजीशन बनने वाली है, लॉकडाउन की जरूरत रहेगी। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल हालात जो हैं बहुत जल्द हमारे जम्मू कश्मीर में होंगे, और इस तरह की जो हम लोग प्रिजर्वेशन लेकर के चल रहे हैं कि शायद आगे जाकर जो कहीं और इससे ज़्यादा हमें लॉकडाउन में नहीं जाना पड़े, मुझे इस बात की मतलब कोई लग नहीं रहा कि इस तरह का कोई। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरुण गुप्ता बातचीत कर रहे थे, और देखिए जो कन्फ्यूजन, उम्मीद करता हूँ कि जो कन्फ्यूजन जम्मू की जनता में थी वो कन्फ्यूजन क्लियर होगी। और अरुण जी ने ये भी कहा है कि अगले हफ्ते की, नेक्स्ट हफ्ते हम इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक सवाल जो है बहुत सारे लोगों के मन में था कि क्या सिर्फ इस शुक्रवार को रात 9 बजे तक नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो खुल सकती हैं या फिर अगले हफ्ते भी। तो ऐसे में इस सवाल का जवाब भी उन लोगों को मिल गया होगा जिन लोगों के मन में ये सवाल था। आप लोग देखते रहिए रिपोर्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।